वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर होस्ट पंकज शर्मा फॉर जेएम डेवलपर्स। तो फ्रेंड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो सीपीयू के पार्ट्स के ऊपर है उसके ऊपर बनाऊंगा, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन पार्ट्स के बारे में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ उस वीडियो के में आपको। इसमें मैंने जो सीपीयू पार्ट्स होते हैं उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। जैसे ही ये मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी बेसिक कंप्यूटर लर्निंग की, मैं एक एडवांस कंप्यूटर लर्निंग की अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो भी इनके पार्ट्स हैं उनमें आपको डीपली सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो अभी आप बेसिक के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो पार्ट्स ऑफ सीपीयूज के ऊपर है। इसमें मैंने सीपीयूज के पार्ट्स यहाँ पे फोटोज कुछ दिखा रखे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है। सेकंड जो पार्ट है पीएसयू है। पीएसयू को हम एसएमपीएस भी बोलते हैं। ये एनआईसी है, ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये हार्ड ड्राइव है, ये जीपीयू है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है मदरबोर्ड। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द मदरबोर्ड सर्व्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर। इट कनेक्ट्स द सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल्स। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ केबल ऑफ कंप्यूटर, सॉरी। तो ये जो मदरबोर्ड है, जैसे किसने बताया हुआ है कि सिंगल प्लेटफॉर्म है सभी ऑल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ये सीपीयू को, मेमोरी को, हार्ड ड्राइव को और ऑप्टिकल ड्राइव्स को साथ में कनेक्ट कर लेता है जो भी सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। और जैसा कि इसमें लास्ट लाइन यहाँ पे ये दी हुई है, ये इसका मतलब ये है कि इसे रीढ़ की हड्डी भी बोला जा सकता है कंप्यूटर की, क्योंकि ये सभी जो भी इनके पार्ट्स हैं उनको एक साथ जुड़ सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पीएसयू या एसएमपीएस। पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पावर सप्लाई यूनिट, और एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई दैट इनकॉर्पोरेट्स ए स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली लाइक अदर पावर सप्लाईज। एन एसएमपीएस ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम ए डीसी टू डीसी और एसी सोर्स टू डीसी लोड्स सच एज ए पर्सनल कंप्यूटर। ये जो पीएसयू पावर सप्लाई, ये सप्लाई पावर सप्लाई जो यूनिट होती है, ये नॉर्मल पावर सप्लाई यूनिट्स की तरह ही काम करती है। बट इसको एसएमपीएस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है ये वोल्टेज को कंट्रोल करती है, स्विच करती है, चेंज करना होता है वोल्टेज को, चेंज भी करती है। ओके, इसलिए इसको एसएमपीएस बोला जाता है। और नॉर्मल अदर सप्लाईज की तरह से ये या तो डीसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करके देती है और एसी पावर को डीसी में करके देती है। बट मेन जो काम होता है इसका स्विचिंग का और रेगुलेटर जो वोल्टेज रेगुलेट करने का होता है वो होता है। तो ये जो इसमें अलग अलग प्लग दिए हुए हैं, ये जैसे आप पूछेंगे स्विचिंग क्या होता है और ये कन्वर्टिंग क्या होता है, तो स्विचिंग कन्वर्टिंग का मतलब ये है, जैसे कि ये पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे पोर्ट्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इनमें अलग अलग पोर्ट में अलग अलग वोल्टेज पावर आउटपुट होता है उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग। कि उस पार्ट को जैसे कि हार्ड ड्राइव से हम कनेक्ट कर रहे हैं या आप वीडियो कार्ड से कनेक्ट कर रहे हैं या मदरबोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा वाला जो प्लग दिख रहा है आपको ये मदरबोर्ड के लिए होता है, ये छोटा वाला जो प्लग दिख रहा है आपको ये वाला हार्ड ड्राइव के लिए होता है। ओके, तो ये पावर सप्लाई होती है, ठीक है। बाकी मैं इसे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर एक एक पार्ट के ऊपर, तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। इट इज ए रीड एंड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा
यूटिल द मशीन इज वर्किंग एज सुन एज द मशीन स्विच ऑफ डाटा रेस्ट। तो इसमें जो रेम है, रेम में कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, पहली मेमोरी जो होती है वो रेम होती है, ठीक है, दूसरी मेमोरी जो होती है वो होती है हार्ड ड्राइव। ये नेक्स्ट ड्राइव में हम से पढ़ेंगे, फिलहाल आप रेम पढ़ लेते हैं। तो रेम क्या करता है, रेम जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं या अभी कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो उससे कुछ फाइल्स बनती हैं, वो जो फाइल्स हैं इस रेम में जाके सेव हो जाती हैं और ये तब तक सेव रहती हैं जब तक कि सिस्टम या कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर या आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है स्विच ऑफ हो जाता है तो रेम से वो डाटा पूरा इरेज हो जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम स्विच ऑन करते हैं तो वापस जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं उसके डाटा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कोई भी डाटा परमानेंटली नहीं रहता है, एक बार आपने ऑन किया तो डाटा स्टोर होने लग जाएगा, जैसे ही आप ऑफ कर देंगे तो पूरा डाटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेव क्या क्या होता है, इसमें जो भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम रन कर रहा है उसकी जो टाइम फाइल्स होती हैं वो इसमें स्टोर होती हैं उस टाइम के लिए जब तक वो प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हार्ड डिस्क। व्हेन यू सेव और इंस्टॉल प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज टिपिकली रिटन टू योर हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज ए स्पाइंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स that record and store information because the data is stored magnetically. Information recorded to the hard disk remains intact after your computer switch off. ये जो memory है इसमें जो data हम save करते हैं permanent, मतलब permanent मतलब ये जब तक आप delete नहीं करेंगे तब तक इसमें से erase नहीं होता है। तो इसमें अब बात करते हैं इसमें save क्या क्या चीज़ होती है। इसमें आप जो program install करते हैं system में वो save होता है। रेम में हमारा जो प्रोग्राम रन कर रहा था वो सेव हो रहा था, जो रन हो रहा है उस टाइम पे जो कोई प्रोग्राम हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में वो इसमें सेव होता है। और आपके जो भी आप डाटा इसमें स्टोर करते हैं, फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए या कोई डॉक्यूमेंट हो गया, वो हार्ड ड्राइव में सेव होता है। ये मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव एक मैंने आपको बेसिक बताया है हार्ड ड्राइव का। हार्ड ड्राइव के लिए और भी हार्ड ड्राइव काफ़ी हार्ड ड्राइव्स आती हैं जिसमें कि दो तीन हार्ड ड्राइव SSD भी होती है, NVMe भी होती है। वो मैं आपको जब पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। ये मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है। इस मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में मैग्नेटिकली एक डिस्क होती है, उस पर एक रीड एंड राइट चिप काम करती है जो कि उस पर डेटा सेव करती है, सेव और रीड सेव करती है या डिलीट करती है, ओके। तो ये काम हार्ड ड्राइव डिस्क का होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर को CPU या APU भी बोला जाता है। अब ये CPU APU क्या होते हैं? CPU जो होता है वो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस नहीं कर करता है। APU जो होता है, APU में प्रोसेसर भी होता है और GPU भी होता है। ये आप GPU भी होता है और प्रोसेसर भी होता है। GPU की मैं नेक्स्ट एक स्लाइड आएगी उसमें आपको GPU के बारे में बता दूंगा, ओके। तो ये प्रोसेसर भी होता है और GPU से APU बोलते हैं, CPU बोलते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज ए स्मॉल चिप दैट डिसाइड्स इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इट्स बेसिक जॉब इज टू रिसीव इनपुट एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट आउटपुट। वाइल दिस मे सीम लाइक ए सिंपल टास्क, मॉडर्न प्रोसेसर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड। इसमें बताया गया है कि प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर या आप बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, एक स्मॉल चिप होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसका जो नॉर्मल काम होता है, जैसे भी कोई प्रोग्राम आप रन करते हैं तो उसकी जो भी कैलकुलेशन होती है बैकग्राउंड में या जो भी प्रोसेस होती हैं उन्हें ये करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। अभी जो नए प्रोसेसर जो आ रहे हैं वो ट्रिलियंस में जो कैलकुलेशन हैं जैसे कि इसमें लाइन दी हुई है वो कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेसर को एक साथ में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ए GPU इज ए प्रोसेसर डिजाइन्ड टू हैंडल ग्राफिक्स ऑपरेशंस, दिस इंक्लूडिंग बोथ 2D एंड 3D कैलकुलेशंस। थॉट GPUs प्राइमरी एक्सेल्स एट रेंडरिंग 3D ग्राफिक्स। तो इसका जो काम होता है, जैसे हम कोई भी ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं या जो भी लोग जो भी ग्राफिक्स का थोड़ा बहुत काम करते होंगे
वीडियो एडिटिंग का या फिर रेंडरिंग का, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ग्राफिक कार्ड जो GPU है। तो इसमें खुद का एक प्रोसेसर होता है और रैम भी होती है। बता दूं आपको, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो रैम भी होता है इसके अंदर और प्रोसेसर भी होता है। जब मैं, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया आपको, नेक्स्ट जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा या जो भी सीरीज स्टार्ट करूंगा उसमें आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। इसका बेसिकली काम ग्राफिक्स को डिजाइन करने की रेंडरिंग करने के लिए होता है। वो डिजाइन करते हैं हम तो उन्हें से रेंडर करता है, ठीक है। चलिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट्स स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड इट प्रोनाउंस्ड निक। NIC इज ए कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर। इट मे एनेबल ए वायर्ड कनेक्शन सच एज इथरनेट और ए वायरलेस कनेक्शन सच एज वाईफाई टू ए लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो क्या काम करता है, जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, तो इंटरनेट पे जाने से पहले हमें एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि हमारे पास में जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पे जाना होता है, उसे लोकल एरिया नेटवर्क बताते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, एक नेटवर्क के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको लैन वैन ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। तो ये जो NIC मॉड्यूल है, ये NIC मॉड्यूल है, ये थोड़ा ओल्ड टाइप का मैंने इसमें फोटो लगाया हुआ है। नए जो NIC मॉड्यूल होते हैं उसमें आपको इथरनेट का पोर्ट भी मिलता है, वाईफाई के कनेक्ट एंटीनाज भी मिलते हैं, यहाँ पे वाईफाई एंटीनाज लगे होते हैं ऐसे करके, जिसे कि वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये नॉर्मली आपके डाटा, इसमें RJ45 कनेक्टर होता है, एक RJ45 ये कनेक्टर की इसमें ये इस यहाँ लग जाता है, जो कि हमारे राउटर से या बाहर से राउटर से आता है, जो इसमें कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाता है। तो नॉर्मली एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। ओके, चलिए। तो ये नेटवर्क के लिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा नेटवर्क के बारे में, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं कंप्यूटर की, जो भी फंक्शनल होती है कंप्यूटर की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत लोगों का थोड़ा एक क्वेश्चन है कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप फोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ऊपर, मेरे चैनल का नाम आ रहा होगा JMD Vloggers। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये जो लोगो है, ये लोगो आ रहा होगा आपके सिस्टम उसमें, ये लोगो होगा राउंड सर्कल में, राउंड सर्कल में ये लोगो होगा, और इस सर्कल में के पास में JMD Vloggers लिखा होगा, वो साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब्सक्राइब होगा रेड कलर में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पास में एक ऑल का बटन होता है, ऑल पे क्लिक कीजिए। आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो में नई बनाऊंगा वो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन या आपको मोबाइल पे पता पड़ जाएगा कि आपकी मेरी नई वीडियो आ चुकी है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ JMD Vloggers।